झमाझम बारिश के साथ होगा नए साल का आगाज। नए साल में जश्न मनाने से पहले जान ले कैसा रहेगा मौसम का हाल। नए साल में घूमने फिरने का बना रहे हैं प्लान, तो जरा रुकिए, ये डाल सकता है खलल। बिहार में ठंड का कहर जारी है। राजधानी पटना में कोहरे को लेकर लोगों के आवागमन में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों तो राजधानी पटना से आने वाली कई विमान सेवाओं को रोक दिया गया, कई विमानों के परिचालन को भी बंद कर दिया गया। बता दें कि हैदराबाद से पटना आ रही फ्लाइट को पटना में देर से लैंडिंग करने का मौका मिला। हालांकि मौसम विभाग ने एक अपडेट और साझा किया है, जिसमें यह बताया गया है कि नए साल में बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि इन दिनों किसानों को भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इन दिनों किसानों को फसलों को सुरक्षित रखने और उसके भंडारण की ज़रूरत है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया जा रहा है कि राजधानी पटना के साथ साथ प्रदेश के लगभग 28 शहरों के तापमान में ज़बरदस्त गिरावट देखी जा रही है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इन दिनों न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है, जिसके कारण लोगों को ठिठुरन और गलन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने यह बताया है कि 2 जनवरी से बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगले 1 सप्ताह में 3 दिन तक प्रदेश भर में बूंदाबूंदी होने की संभावना है, जिसके कारण तापमान में बदलाव की बात कही जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के संख्यात्मक मॉडल के विश्लेषण के अनुसार 29 दिसंबर 2023 से उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित होने की संभावना, साथ ही साथ इसके निचले वायुमंडल में पूर्वी हवाओं के संपर्क के प्रभाव से बिहार में 2 जनवरी से 4 जनवरी के दौरान मौसम में परिवर्तन की बात कही जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इस अवधि के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम स्तर के बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह किसानों को लेकर जो अपडेट जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि अपने कटे और सूखे स्थान में रखे हुए खरीफ फसल को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करने की व्यवस्था कर लें, ताकि पानी या नमी से फसल का बचाव हो सके। इस मौसम के फसलों पर प्रभाव तथा निवारण के उपाय से संबंधित जानकारी भारत मौसम विभाग एवं राज्य के कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से जारी होने वाली कृषि परामर्शदात्री बुलेटिन, यानी कि मौसम विभाग की तरफ से जो बुलेटिन जारी किया जाता रहा है, उसका जो है आप अनुसरण करते रहें, उसको जो है आप देखते रहें, ताकि इस बात का भान होता रहे कि प्रदेश में कब बारिश हो सकती है। खासकर के किसानों को लेकर जो है यह अपडेट जारी किया गया है। प्रदेश में इन दिनों लोगों के जुमा पर बस यही बात सामने आ रही है कि इस बार इतनी ठंड क्यों नहीं है। पिछले कई सालों से देखने को मिली है कि ऐसे में लोगों को लग रहा है कि क्या यह मौसम में परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है। हालांकि विभाग की तरफ से यह बताया जा रहा है कि इस बार बारिश के साथ तापमान में भी ज़बरदस्त कमी देखने को मिलेगी, लेकिन लोगों के सामने एक बड़ी समस्या यह है कि अब समय से बारिश हो पा रही है और ना ही ठंड का असर देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले कुछ सालों में देखने को मिलता था। इन दिनों गर्मी की मात्रा में भी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। विभाग की तरफ से यह बताया गया है कि इन दिनों चक्रवाती हवा बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में पूर्वा हवा का प्रवाह बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ आने के पूर्व तापमान में बढ़ोतरी होती है। बताया जा रहा है कि विक्षोभ पश्चिम से पूरब की ओर 2 से 4 जनवरी के बीच में गुजरेगी, जिसके कारण तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इन दिनों समुद्र तल से 3 किलोमीटर ऊपर पछुआ हवा का प्रवाह जारी है, जबकि प्रदेश में पूर्वा हवा का प्रवाह बना हुआ है, जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन यह तापमान आने वाले कुछ दिनों में कम हो जाएगी। ऐसे में आपको अभी से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है और साफ तौर पर बताया गया है कि 29 तारीख के बाद से तापमान में बदलाव की बात कही गई है, और वह 2 से 4 जनवरी के बीच में प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर तापमान में गिरावट की बात कही जा रही है। प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में कोहरे और बूंदाबांदी जैसे आसार देखने को मिलेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर मौसम विभाग जो है लोगों को लगातार अलर्ट कर रहा है। ऐसे में आपको अभी से सावधानी बरतने की ज़रूरत थी। तो यह था बिहार में मौसम से जुड़ी हुई खबरें। प्रदेश से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।